हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मॉनिटरी स्टैंडर्ड है क्या, है ना, द मीनिंग ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड और अ मॉनिटरी सिस्टम, देन द टाइप्स ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड, जिसमें हमने मोनोमेटेलिक, बायोमेटेलिक, मेटेलिज्म, है ना, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, मोनोमेटेलिज्म के मेरिट्स, डीमेरिट्स, जिसमें कि सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड आते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बायोमेटेलिज्म के बाद हमने ग्रेशम्स लॉ है क्या वो पढ़ा, है ना, और किन कंडीशंस में ग्रेशम्स लॉ अप्लाई होता है हमने ये पढ़ा था। नाउ टुडे वी हैव टू डू कि गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो और इसके जो वेरियस टाइप्स हैं, जो चार पांच तरह के, वो कौन कौन से हैं और वो है क्या, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दोज गोल्ड स्टैंडर्ड्स, है ना, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट मेथड ऑफ पेपर इशूइंग या मॉनिटरी स्टैंडर्ड का जो लास्ट जो मेथड है, दैट इज या लास्ट कैटेगरी है, दैट इज पेपर स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि बिल्कुल अलग है, मेटलिस्टिक स्टैंडर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट, तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स, डी मेरिट्स, एक्सेट्रा, राइट। सो गोल्ड स्टैंडर्ड हमने देखा था कि बहुत पॉपुलर एक मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड के अंदर जो पॉपुलर फॉर्म था गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट, और इसमें जो मॉनिटरी यूनिट को हम लोग गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे, राइट, और स्टैंडर्ड कॉइन्स जो फिक्स वेट और साइज के, फिक्स साइज, नॉट साइज के, वेट के और फाइननेस जो है वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होता था, राइट, उसमें डिफाइन किया जाता था कंट्री की करेंसी को, राइट, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये इसलिए था क्योंकि जो कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है, दैट इज डिटरमिन्ड रेट जो होता था, ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज, राइट, और द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो हमारा एक्सचेंज रेट जो फिक्स किया जाता था, वो इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड ही होता था। गोल्ड के कंटेंट के बेसिस पे ही दो कंट्रीज की करेंसी को कंपैरिजन या उस पे एक्सचेंज रेट उसका फिक्स किया जाता था, राइट, एंड इट दिस वाज अ वेरी पॉपुलर सिस्टम ड्यूरिंग दोज टाइम्स बिफोर, प्रायर टू 1936 या बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड उस टाइम पे चलता था, राइट। और क्या क्या इसमें फीचर्स क्या क्या थे, हमने पहले ही देखे कि जो भी जो गोल्ड कॉइन्स हैं, एक स्टैंडर्ड कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स, स्टैंडर्ड कॉइन्स जो कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर कंसीडर किया जाता था, मतलब कि आप उसमें पेमेंट उन्हीं गोल्ड कॉइन्स में पेमेंट कर सकते थे, ठीक है, और अपने जो भी ऑब्लिगेशंस है वो उसमें मीट आउट कर सकते थे, मतलब एक्सचेंज कर सकते थे, डेब्ट पेमेंट उसमें कर सकते थे आप, राइट, और ये कन्वर्टेबल होते थे, राइट, कन्वर्टेबल होते थे, और जो मिंटिंग जो होता था गोल्ड कॉइन का, वो फ्री था, फ्री कॉइनेज था, राइट, अनलिमिटेड कॉइनेज था विदाउट एनी कॉस्ट, और आप उसी कॉइन्स को मेल्ट करके उसका ऑर्नामेंट बना लो या कुछ और चीज़ के लिए उसको यूज कर सकते थे, फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। तो ये सारे गोल्ड स्टैंडर्ड के मेन जो पॉइंट्स हैं, फीचर्स उसमें जो पाए जाते थे, राइट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे, एक तो जो वॉल्यूम ऑफ करेंसी कंट्री के भीतर उसको वो रेगुलेट करता था, मतलब कि ओवर इशूइंग ऑफ करेंसी नहीं होने देता था, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर गोल्ड के रिजर्व मेंटेन करने पड़ते थे, राइट, तो वो जो गोल्ड का रिजर्व है वो एक तरह से एक हर्डल होता था टू प्रिंट न्यू करेंसी, राइट, और टू इशू अ यूनिट ऑफ न्यू करेंसी, राइट, सो वो इस तरह से वो सप्लाई ऑफ मनी को एक्सेस में नहीं होने देता था, जितना गोल्ड रिजर्व है उसके बराबर ही मनी सप्लाई होती थी, तो वो मनी सप्लाई को इंटरनली वो रेगुलेट करता था, ना ही बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर सकती थी, वो भी लिमिटेड था क्योंकि गोल्ड रिजर्व की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कंट्री में मनी सप्लाई किया जा सकता था, तो गोल्ड रिजर्व जो है कंट्री की करेंसी को रेगुलेट करती थी। दूसरा फंक्शन इसका ये था कि जो एक्सटर्नल रेट करेंसी की, उसको भी ये स्टेबलाइज करती थी, इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ
अदर करेंसीज, राइट, डॉलर के फॉर्म में, यूरो में, या कोई और किसी भी कंट्री की करेंसी के मुकाबले जो एक्सचेंज रेट है उसको ये स्टेबलाइज करती थी. जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में एक्सचेंज रेट को ये स्टेबलाइज करता है. और अगर जो और दूसरा, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के द्वारा ये एक्सचेंज रेट स्टेबल रखता है, राइट. कैसे वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के द्वारा रखता है, ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, राइट, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड. कि सपोज देर आर टू कंट्रीज, राइट, इफ देर आर टू कंट्रीज, तो और कंट्री ए का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का डिफरेंस, राइट. इफ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द एक्सपोर्ट्स, दैट मीन्स हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, मतलब एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है. और अगर हमारा एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स या एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, इन दैट केस विल से वी हैव अ सरप्लस और अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट. अब यहाँ पे जब एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री ए में है और कंट्री बी में ऑब्वियसली फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वहाँ पे सरप्लस है, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं सपोज, राइट, और दोनों में ही हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिवेल करता है. सो इन दैट कि दोनों की जो करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो कैसी स्टेबल होती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट और अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. सो क्योंकि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसकी वजह से जब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव या फिर डेफिसिट में हो तो गोल्ड का आउटफ्लो होता है, राइट, दैट वी हैव रेड अंडर द इंटरनेशनल ट्रेड की थियरीज में हम लोग देख चुके हैं. सो जब आउटफ्लो ऑफ गोल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट करना है, राइट. सो जब गोल्ड का आउटफ्लो होगा, मतलब गोल्ड दूसरी कंट्रीज में चला जाएगा, उससे क्या होगा, गोल्ड की रिजर्व कम हो जाएगी. गोल्ड की रिजर्व कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में हम लोग मनी सप्लाई उतना ही कर रहे हैं जितना हमारे पास गोल्ड की रिजर्व है, राइट, हमने मेंटेन की है, राइट. सो मनी सप्लाई कम होने से प्राइसेस और इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, राइट. मनी सप्लाई कम होने से लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस और इनकम कम होगे, विच विल लीड टू डिफ्लेशन ऑल्सो, राइट. देन क्योंकि प्राइसेस घटी तो अब क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. जब हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ दूसरी वस्तुएं फॉरेन कंट्रीज में जो गुड्स बन रही है उसके मुकाबले, तो हमारे वस्तुओं की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. और क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स पहले ज़्यादा थे, वो अभी घट इसलिए जाएंगे क्योंकि जो 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 दूसरी कंट्री की जो वस्तु है वो हमारे कंट्री की करेंसी कंट्री की वस्तु के प्राइस के मुकाबले अब वो महंगा हो गया है. क्योंकि हमारी वस्तुएं सस्ती हैं, उनकी वस्तुएं महंगी हो गई है, तो हम लोग इम्पोर्ट्स कम कर लेंगे. डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स घट जाएगा तो इम्पोर्ट्स घट जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा डेफिसिट चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट. सिमिलरली कंट्री बी में फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वहाँ पे इनफ्लो ऑफ गोल्ड होगा, गोल्ड आएगा, जिससे कि गोल्ड रिजर्व बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ज़्यादा आएगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगा, राइट, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बोल लीजिए, या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, और फिर उसके बाद मनी सप्लाई एक्सपैंड होने की वजह से, राइट. सो दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन एज वेल. नाउ उससे क्या होगा, अब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी वस्तुएं महंगी हो गई है, तो इनके एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होने से इनके एक्सपोर्ट घट जाएंगे और इनके इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री में अब सस्ती वस्तुएं उत्पादन हो रही है या सस्ते में मिल रहा है, तो इनके इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, डिमांड फॉर इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे. सो ऑटोमेटिकली जो वो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी फिर से बैलेंस में आ जाएगा और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनके भी बराबर हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ दिस गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क्स ऑटोमेटिकली, और इट ब्रिंग्स और अ स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसीज, कंट्रीज करेंसीज, राइट, इन दैट वे, राइट. तो ये दो फंक्शन इसके मुख्य थे अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये पांच तरह के यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड जो प्रिवेल कर रहे थे इन वेरियस टाइम पीरियड्स, राइट.
गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड एंड गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड. सो वन बाय वन विल से कि ये है क्या. सो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड ये जो सिस्टम है, राइट, गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड या गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इसको, और दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट, और इसको हम लोग ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं. सो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये एक प्रीडोमिनेंट मॉनिटरी स्टैंडर्ड था इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, एंड इसमें जो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड जो होते थे दे वर रिगार्डेड एज द फुल स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल स्टैंडर्ड कॉइन्स या फुल बॉडीड स्टैंडर्ड कॉइन्स होते थे क्योंकि इट वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड, राइट, इट वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड और ये सर्कुलेशन में थे फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स, राइट. सो गोल्ड फुल स्टैंड गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, फुल गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉइन्स जो है फुल बॉडीड वो चलते थे इस सिस्टम के अंदर. और यहाँ पे फीचर्स मुख्यतः क्या क्या थे, दैट देर इज फ्री एंड अनलिमिटेड मेल्टिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. आप इसको गला के, गोल्ड कॉइन को गला के उसको एज अ गोल्ड भी यूज कर सकते थे और गोल्ड बार को आप जाके एक्सचेंज कर सकते, मिंट में ले जाके आप उसका कॉइन्स भी बना सकते थे. सो कॉइनेज वॉज ऑल्सो फ्री एंड अनलिमिटेड, मतलब आप जितना मर्जी अमाउंट का बना सकते थे जितना आपके पास गोल्ड अवेलेबल है, एंड इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन, राइट. और जो दूसरे मनी भी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड कॉइन ही थी, दूसरी मनी भी सर्कुलेशन में थी जैसे कि टोकन कॉइन्स या पेपर मनी, बट दे वर ऑल्सो फुली कन्वर्टेबल, मतलब आप इसको जाके गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते थे मॉनिटरी अथॉरिटी के पास ले जाके, राइट. और ये जो 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 भी गोल्ड था इट वॉज ऑफ अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब पेमेंट्स के लिए उसको यूज किया जा सकता था, एंड देर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड एज वेल, राइट. सो जितने भी वैल्यू थी वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एक्सप्रेस की जाती थी अंडर दिस गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड. देन कम्स द गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड. नाउ गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जो है ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, मैंने बोला गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड प्रायर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंट्रीज में अडॉप्ट किया हुआ था. देन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इट वॉज रिवाइव, राइट, और कई सारी कंट्रीज ने ये गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में आगे, ठीक है, और ये अगेन इट वॉज अडॉप्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1925, राइट, एंड ये जो है एक मॉडिफाइड वर्जन था गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड का ही. और यहाँ पे कोई गोल्ड कॉइनेज नहीं होती थी, बट करेंसी जो है वो फुली कन्वर्टेबल थी यहाँ पे, फुली कन्वर्टेबल नॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कॉइन बट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बुलियन. गोल्ड बुलियन में गोल्ड बार्स होते हैं ना, तो उसमें आप एक्सचेंज कर सकते, कन्वर्टेबल थी करेंसी जो है, राइट. तो इसमें क्या मुख्यतः फीचर्स यही थे कि जो स्टैंडर्ड करेंसी जो है उसको एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और उसकी फाइननेस के बेसिस पे उसको करेंसी की यूनिट को की जो को एक्सप्रेस किया जाता था उसकी वैल्यू को, राइट. गोल्ड यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं कर रहा था, एक सिर्फ ये एक मेजर ऑफ वैल्यू बन गया था अब गोल्ड अंडर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, राइट. कॉइनेज ऑफ गोल्ड वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड, राइट, बट हाँ आप जाके करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, राइट, इट वॉज फुली कन्वर्टेबल, राइट. सो ये था गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, राइट. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स दिस वॉज ऑल्सो स्क्रैप्ड बाई द कंट्रीज, राइट, दिस सिस्टम. ये जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है ना, तो मतलब इंटरनल यूज के लिए इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये यूज किया जा रहा था, ना ही फॉर एक्सटर्नल पेमेंट, मतलब फॉर फॉरेन ट्रेड के लिए भी इसको यूज, यहाँ पे गोल्ड को यूज नहीं किया जा रहा था अंडर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड. और यहाँ पे कोई फुल कन्वर्टिबिलिटी भी नहीं थी, मतलब कि आपको अगर गोल्ड के रूप में कन्वर्टिबिलिटी थी तो इट वॉज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स के रूप में किया जाता था, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में किया जाता था जो कन्वर्टिबिलिटी थी, राइट. सो फॉरेन जो यहाँ पे जो डोमेस्टिक करेंसी होती थी कंट्री की इज नॉट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड फॉर मीटिंग इंटरनल नीड्स, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ सम फॉरेन पेमेंट्स, राइट. सो ये था. और डोमेस्टिक करेंसी हैज नो डायरेक्ट लिंक विद द गोल्ड अंडर दिस गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, देयर वाज नो डायरेक्ट लिंक विद द गोल्ड, राइट. एंड बट इसका जो एक्सचेंज रेट है
ठीक है, एक वो दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ यहाँ पे किया जाता था, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ, और दूसरी कंट्री की करेंसी जो थी वो फिर कन्वर्टेबल थी इनटू गोल्ड, राइट। ऐसे लोग बीच बीच में आते रहते हैं फिर। जो यहाँ पे तो इसलिए जो करेंसी इज अंडर दिस सिस्टम, जो गोल्ड रिजर्व के अलावा मॉनेटरी अथॉरिटी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अपने पास मेंटेन करती थी, ताकि वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए उसको यूटिलाइज कर पाए, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी यहाँ पे मेंटेन किए जाते थे, राइट। सो दिस वाज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। देन कम्स द नेक्स्ट इज योर गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। नाउ दिस वाज अडॉप्टेड आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। एक नया मॉनिटरी सिस्टम जो आया, दैट वाज गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, ठीक है। ये मेनली जो है 1936 में ये आया सिस्टम, राइट। और ये बिफोर वर्ल्ड वॉर टू जो है ये सिस्टम फंक्शन कर रहा था, राइट। व्हाट वर द फीचर्स अंडर दिस गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड? अगेन यहाँ पे भी जो गोल्ड इज यूज नीदर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। और डोमेस्टिक जो करेंसी थी दैट इज मेड अप ऑफ पेपर मनी एंड टोकन कॉइन्स, राइट। एंड द कन्वर्टेबिलिटी जो थी डोमेस्टिक करेंसी की इन टू गोल्ड इज अगेन नॉट इंश्योर्ड। जरूरी नहीं था कि उसको वो गोल्ड में फुली फुल कन्वर्टेबिलिटी का कोई गारंटी नहीं था, राइट। मूवमेंट ऑफ गोल्ड जो था वो अब लो इंडिविजुअल के हाथ में नहीं था, मतलब फ्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पहले जैसे था वो नहीं है। अब गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज कर लिया उस सिस्टम को, मतलब गवर्नमेंट ही वो उस गोल्ड की ट्रेडिंग करेगी विद, राइट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो भी करना है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही चला गया, राइट। और जो एक एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड इसमें मेंटेन किया जाता था, सो फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन करेंसीज के साथ जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड जो है वो मेंटेन किया जाता था। और इस अकाउंट में लीगल करें लोकल करेंसी होते थे, फॉरेन एक्सचेंज होता था और गोल्ड होता था इस एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड में, राइट। अगर जैसे कि सपोज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेज ना, इन दैट केस ये फंड का काम होता था कि मार्केट में वहां से इस अपने फंड में से अपने अकाउंट में से वो फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में सप्लाई कर दे, ताकि वो जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। फालतू में डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है वो एक्सचेंज जो है वो घट बढ़ ना जाए या इनफ्लेक्सिबल ना रहे, वो स्टेबल रहे, इसके लिए ये एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड मेंटेन किया जाता था। और ये बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती थी इस फंड में, राइट। कितना रिजर्व है, क्या क्या है इसके अंदर, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मूवमेंट कितना हो रहा है इस रिजर्व के अंदर, करेंसी कितनी है, गोल्ड रिजर्व कितने हैं, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, इसमें सीक्रेसी मेंटेन की जाती थी ये मॉनिटरी अथॉरिटी द्वारा, और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश की जाती थी, राइट। ताकि इंटरनल इकोनॉमी जो मेंबर कंट्रीज की इंटरनल इकोनॉमीज को भी ये मतलब खराब ना करे, इसलिए इसको मतलब हार्म ना करे, इसलिए एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता था अंडर दिस सिस्टम, राइट। देन नेक्स्ट कम्स द गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, राइट। नाउ इट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट। और ये जो है जब IMF इस्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आपने सुना होगा, ये 1946 में आया था, राइट। उसके बाद ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया। और यहाँ पे क्या होता था, जो भी मेंबर कंट्रीज होती थी IMF की, ठीक है, दे विल डिफाइन देयर करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो पार वैल्यू ऑफ करेंसी थी वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड करती थी, ताकि एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करने, मतलब कि यूरो के मुकाबले इंडियन करेंसी रुपीज का एक्सचेंज रेट क्या होगा, या डॉलर के मुकाबले या पौंड के मुकाबले क्या होगा, तो वो डिफाइन करती थी अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, इस तरह से। एंड जो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड जो था इसके अंदर, दैट वाज एमिंग एट मेंटेनिंग दिस स्टेबल एक्सचेंज रेट, है ना, बिना डोमेस्टिक मॉनिटरी जो सिस्टम है उसको इंटरफेयर किए जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करना, अगेन यहाँ पे भी एक मकसद या ऑब्जेक्टिव था, राइट, इस पेपर इस नए सिस्टम का। अब यहाँ पे क्या फीचर्स थे, अगेन यहाँ पे भी गोल्ड से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं था, ये तो ना तो गोल्ड यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था ना ही मेजर ऑफ वैल्यू होता था यहाँ पे, राइट। जो करेंसी थी
वाओ, जो करेंसी पेपर मनी के रूप में भी होते थे और टोकन कॉइन्स या फिर कोई चीपर मेटल के कॉइन्स के रूप में यहाँ पे सर्कुलेट होते थे फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और जो डोमेस्टिक करेंसी थी वो इनकन्वर्टिबल होती थी, ठीक है, इनकन्वर्टिबल इनटू गोल्ड कॉइन। मतलब गवर्नमेंट कोई अश्योरेंस या कोई गारंटी नहीं देती थी कि हम लोग आपके करेंसी को जो है एक्सचेंज करके देंगे बदले में गोल्ड कॉइन्स के या गोल्ड बार के या किसी फॉरेन करेंसी के। तो यहाँ पे इनकन्वर्टिबिलिटी होती थी इस सिस्टम के अंदर। और जो पार वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब फेस वैल्यू ऑफ मनी जिसको बोल सकते हैं, वो डिफरेंट करेंसी की वो डिटरमिन की जाती थी इन टर्म्स ऑफ, मैंने बताया गोल्ड टू डिटरमिन द एक्सचेंज रेट, ठीक है, राइट। और एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लेक्सिबल था, राइट। वो फ्लेक्सिबल अंडर द रेगुलेशन ऑफ IMF होता है अगेन, राइट। जो भी करेंसीज हैं उनकी पार वैल्यू वो मेंबर नेशंस की, जो IMF के मेंबर नेशंस हैं, वो फ्लेक्सिबल होता था बट अंडर द रेगुलेशन ऑफ IMF। एंड देयर वाज प्रोविजन ऑफ लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। जो भी IMF के मेंबर कंट्रीज होते थे उनको अगर जैसे फॉरेन आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट है या कोई और प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए, तो वो सुविधाएं भी मेंबर कंट्रीज को IMF देती थी, राइट। और दूसरा, ये जो मॉनिटरी पॉलिसी थी डोमेस्टिक कंट्रीज, डोमेस्टिक तरह से जो मॉनिटरी पॉलिसी थी वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, राइट। सो ये था गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। इस ये तो हो गए सारे अब आपके जो गोल्ड स्टैंडर्ड के वेरियस जो आपके टाइप्स थे, राइट। नाउ कमिंग टू द मैरिट्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, सिंपल था, सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मोटा मोटा अगर हम लोग देखें गोल्ड स्टैंडर्ड में तो गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन किए जाते थे और फुल कन्वर्टिबिलिटी थी करेंसी की, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस था। देन ऑटोमेटिक वर्किंग, हमने देखा कैसे ऑटोमेटिक वर्किंग, मतलब कोई बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के ऑटोमेटिक वर्किंग से हम लोग एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करते थे। और दूसरा आपका बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होते था, साथ में एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी मेंटेन की जाती थी इसी ऑटोमेटिक वर्किंग की मदद से। देन प्राइसेस स्टेबल रहते थे क्योंकि गोल्ड रिजर्व जो है की वजह से मनी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होता था, राइट। और दूसरा फिर एक्सचेंज स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती थी अंडर दिस गोल्ड स्टैंडर्ड। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। अब डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, इलास्टिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब कि कितना रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को, राइट, उतना उसके बराबर मनी सप्लाई नहीं हो पाता था बिकॉज गोल्ड रिजर्व जो है एक हर्डल ही होते थे कि मतलब जितना है उतने ही आप मनी सप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड रिजर्व से ज्यादा आप अचीव नहीं कर सकते मनी सप्लाई को, राइट। देन कॉस्टली है क्योंकि गोल्ड रिजर्व इतने ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे मॉनेटरी सप्लाई करने के लिए, राइट। और दूसरा वेस्टफुल है, गोल्ड कॉइन सर्कुलेट हो गया तो गिरावट उसमें होता ही है, वेयर एंड टियर क्लियर करना पड़ता है तो वेस्ट होते हैं। देन इंटरनल स्टेबिलिटी, अब जो एक्सटर्नल ट्रेड की वजह से या एक्सटर्नली जब कंट्री एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ रेट हो जाता है, राइट, तो वो एक्सटर्नल वो रेट स्टेबल करने के चक्कर में कई बार वो इंटरनली भी हार्म करता है कहीं ना कहीं कंट्री की करेंसी की वैल्यू को, राइट, दैट ड्यू टू दैट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, राइट, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से होता था। सो ये है इंटरनल स्टेबिलिटी का सेक्रीफाइस। देन ऑटोमेटिक, वैसे बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक है बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दैट द कंट्रीज हैज एक्सपीरियंसेस कि जब लोग कंट्रीज आपस में, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आपस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड जहाँ पे है वो अगर कोऑपरेट ना करें एक दूसरे के साथ तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फिर हो नहीं पाता है। सो इसीलिए यही एक्सपीरियंस करके सारे लगभग सभी कंट्रीज ने इसको अबेंडन कर दिया इस सिस्टम को, करेंसी सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड को, राइट, क्योंकि उसकी वजह से बहुत इन्फ्लेशन हो रहा था एक जगह पे, दूसरी जगह पे कहीं पे डिफ्लेशन हो रहा था क्योंकि कंट्रीज आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, राइट। देन इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है गोल्ड स्टैंडर्ड में ज़्यादा हो जाता है, राइट, एक कंट्री की प्रॉब्लम जो है दूसरी कंट्री को पास ऑन हो जाती है। सो एक इंडिविजुअल कंट्री के लिए एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करना और फॉलो करना वो डिफिकल्ट हो जाता है अंडर दिस सिस्टम। देन
नाउ इट इज अगेन अनसुटेबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. एक तो इतना ज़्यादा इनको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा जो कि इनकी बस में नहीं होगा, है ना, क्योंकि कॉस्टली अफेयर है. दूसरा, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग जो सिस्टम अडॉप्ट करती हैं कंट्रीज, उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. डेफिसिट फाइनेंसिंग इनको करना पड़ता है जो कि अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड वो पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर द सर्टेन डिमेरिट्स ऑफ अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट. नाउ कमिंग टू द पेपर स्टैंडर्ड. नाउ पेपर स्टैंडर्ड जो है आजकल जो मॉडर्न इकोनॉमीज में, दिस इज द सिस्टम दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो ये मॉनिटरी सिस्टम पेपर स्टैंडर्ड, इट रेफर्स टू अ मॉनिटरी स्टैंडर्ड जहाँ पे इनकन्वर्टेबल पेपर मनी जो है सर्क्यूलेट किया जाता है, एंड इट इज द अनलिमिटेड लीगल टेंडर. अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब कि जो कि मतलब कि पेमेंट जो है जितना मर्जी अमाउंट का, कम अमाउंट का, ज़्यादा अमाउंट का, आप इस करेंसी के रूप में कर सकते हैं, पेपर करेंसी के रूप में. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर मनी स्टैंडर्ड बोल दिया तो सिर्फ पेपर करेंसीज ही सर्कुलेट होती हैं, कुछ कॉइन्स भी यहाँ पे सर्कुलेट होती हैं, एंड दे आर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट, राइट, स्टैंडर्ड मनी के साथ साथ, राइट. बट यहाँ पे हाँ, गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ना ही डोमेस्टिक पेपर करेंसी को सर्कुलेट करने के लिए, ना ही फॉरेन पेमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए कोई गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत होती है अंडर पेपर स्टैंडर्ड, राइट. इसको मैनेज्ड स्टैंडर्ड, पेपर मैनेज्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, राइट. यहाँ पे जो जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको मॉनिटरी अथॉरिटी जो है कंट्रोल में रखती है, राइट, ताकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, प्राइसेस फ्लक्चुएट ना हो, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन टेंडेंसीज को ना बढ़ावा दे, राइट, और ना ही इनकम जो है कंट्री की वो फ्लक्चुएट हो. सो इसलिए यहाँ पे मॉनिटरी अथॉरिटी उस पेपर करेंसी या पेपर सिस्टम को, पेपर मनी को रेगुलेट करती है, राइट. एंड इनकन्वर्टेबल है, वो तो पहले ही बता दिया मैंने कि इनकन्वर्टेबल होती है, राइट, क्योंकि कोई गोल्ड रिजर्व मेंटेन किया नहीं है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, राइट, अंडर पेपर स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पेपर स्टैंडर्ड. इट इज इकोनॉमिकल, ऑफ कोर्स इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज वी डोंट हैव टू मेंटेन एनी गोल्ड रिजर्व फॉर द इशूइंग द पेपर करेंसी नोट्स, राइट. सो इट इज इकोनॉमिकल. देन जो गोल्ड है, क्योंकि हम लोग गोल्ड, एक तो गोल्ड सर्कुलेशन में नहीं है इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, सो वेस्टेज नहीं हो रहा है ना, दूसरे गोल्ड रिजर्व के रूप में आइडल नहीं पड़ा हुआ है. सो हम उसको जैसे जो जिस मर्जी पर्पज के लिए, जो थोड़ा, एक तो पहले ही लिमिटेड होती है गोल्ड की क्वांटिटी, और लोग सब चाहते हैं कि गोल्ड हो उनके पास, तो उसको जो चाहिए पर्पज, चाहे इंडस्ट्रियल यूज के लिए, चाहे आर्ट के लिए, चाहे ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. देन मनी सप्लाई इलास्टिक हो जाती है अंडर पेपर स्टैंडर्ड, मतलब जितना इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ मनी सप्लाई. देन इट इंश्योर्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इफ देयर विल बी इलास्टिक मनी मॉनिटरी सप्लाई इन द इकॉनमी, देन ऑफकोर्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकॉनमी वी कैन मेंटेन द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वी कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. सो इट helps in that. Then it avoids deflation. जैसे gold standard में हम लोग observe कर रहे थे, जहाँ पे आपका gold reserve कम है तो money supply कम होने की वजह से deflation ज़्यादा आ जाता है, but यहाँ पे वो ऐसी समस्या होती नहीं है, right? We do not face the problem of deflation under paper money standard. Then emergency में इस तरह का सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब इमरजेंसी कंडीशंस कैन बी अ वॉर सिचुएशन, राइट, या कोई नेचुरल कैलमिटी हो सकती है, राइट, या एक डेवलपिंग कंट्री जो होती है, राइट, या लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट को लाने के लिए बहुत सारी मनी सप्लाई की ज़रूरत होती है. सो यहाँ पे हम लोग मनी सप्लाई को इंक्रीज करके अंडर पेपर स्टैंडर्ड, है ना, हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. देन प्राइस स्टेबिलिटी जो है, इंटरनली जो इंटरनल प्राइसेस होते हैं उनको स्टेबलाइजेशन
का काम करती हैं, वहाँ की मॉनिटरी अथॉरिटीज जो होती हैं, जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की उसके अकॉर्डिंग वो अब वेरियस मॉनिटरी अथॉरिटी अपने वेरियस टूल्स को के हेल्प से जो है प्राइसेस स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करती है। देन एक्सचेंज रेट को भी वो रेगुलेट प्रॉपर करती है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होता था, वो फिक्स नहीं होता था, राइट। पेपर स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ऑटोमेटिक रेगुलेशन देती है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। देन कमिंग टू द डीमेरिट्स अंडर पेपर स्टैंडर्ड, एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी इसमें रहती है, सिंस द करेंसी हैज नो लिंक विद एनी मेटल, है ना। पेपर करेंसी में कोई मेटल से वो लिंक नहीं है करेंसी, सो बहुत फ्लक्चुएशंस फॉरेन एक्सचेंज रेट में होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, जो कि कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करता है। दूसरा, इंटरनल प्राइसेस जो हैं वो बहुत इनस्टेबल होते हैं, क्योंकि मॉनिटरी अथॉरिटी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छाप ले, या गवर्नमेंट चाहती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, तो ओवर इशूइंग ऑफ करेंसी जब हो जाता है और उत्पादन उस तरह से नहीं बढ़ पाते हैं, तो इट कैन लीड टू हाई इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन या गैलपिंग इन्फ्लेशन की टेंडेंसीज को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सो प्राइसेस आर वेरी इनस्टेबल अंडर दिस सिस्टम। देन इन्फ्लेशन का डेंजर तो है ही, मैंने बताया पहले ही क्यों होगा। देन मिसमैनेजमेंट होने के बहुत चांसेस हैं, राइट। अगर गवर्नमेंट जो है थोड़ा भी पैसे ज़्यादा इशू कर देती है देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, सो प्राइस स्टेबिलिटी एक तो मेंटेन नहीं रहती और उससे क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन या क्यूमुलेटिव डिफ्लेशन टेंडेंसीज को वो प्रमोट कर सकता है, राइट। इफ देर विल बी अ मिसमैनेजमेंट ऑन द हैंड ऑफ द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न कंट्री, राइट। देन फ्रीडम इज लिमिटेड अंडर दिस, है ना। नाउ जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हर एक कंट्री एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड में हम लोग बोल रहे थे कि एक कंट्री की एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी की वजह से वो दूसरी कंट्री को अफेक्ट करता है, बट अंडर पेपर स्टैंडर्ड ऑल्सो वी कैन नॉट से विद अश्योरेंस की हम गारंटी नहीं दे सकते कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री की एक्सचेंज रेट को प्रभावित नहीं करेगा या इंटरनल सिस्टम को, क्योंकि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अपने को आइसोलेट करके रखना एक कंट्री को बहुत मुश्किल है, राइट। विद द डेवलपिंग वॉन्ट्स एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू इंडल्ज इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड, तो कहीं ना कहीं से वो प्रभाव तो रहेगा ही बाकी कंट्रीज में। अगर डिप्रेशन है जैसे कि अमेरिका में 2008 में जो डिप्रेशन एक रिसेशन आया था ड्यू टू द फेलियर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को भी उसने प्रभावित किया था, जो जो भी वहाँ से ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड या पॉलिसीज से रिलेटेड थे, तो वहाँ पॉलिटिकल लिंक्स थे या जैसे भी थे, उसकी वजह से दूसरी इकोनॉमीज के एम्प्लॉयमेंट को भी और प्राइसेस को भी वो इफेक्ट करता ही है, राइट। देन एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक वर्किंग अंडर द पेपर स्टैंडर्ड, इट डज नॉट फंक्शन ऑटोमेटिकली पेपर स्टैंडर्ड जो है, राइट। और इसको प्रॉपरली फंक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट को बार बार यहाँ पे इंटरफेयर करते रहना पड़ता है, सो इट डज नॉट फंक्शन ऑटोमेटिकली जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड में था। सो दीज आर दी सर्टेन डीमेरिट्स अंडर पेपर स्टैंडर्ड। सो दिस इज इट फॉर योर टुडेज क्लास। सो वी हैव आई थिंक वी हैव डन विद योर फर्स्ट यूनिट।